Good morning, students. This is your maths period, and today we will do review worksheet 8, page number 116, last page of the book. Okay. Now, after that, we will do the revision. So, review worksheet is also a revision of the chapter. Question first. Write 151 to 160. Question first, write 151 to 160. Hame 151 se 160 tak ki counting likhni hai. Sabko aati hai? Aapke exam mein koi si bhi counting aa sakti hai. Aapko 101 se 200 tak ki counting aani chahiye. एग्जाम में 101 से लेके 200 तक कोई सी भी काउंटिंग वाली लाइन आपके आ सकती है. जैसे अभी इसमें दिया है राइट 151 टू 160, ओनली वन लाइन. 151 153 153 154 153 156 158 159 160. वेरी सिंपल. जैसे हम 100 की काउंटिंग करते हैं, वैसे ही 101 से 200 की काउंटिंग. आपको ये देखना 51 से 60, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, और सबके आगे 1 लगा दिया तो 151 152 153. ठीक है, इस तरह से अगर आपके 101 से 200 की काउंटिंग आती है तो आपको याद रखना है कि हमने 1 से 100 में क्या सीखा है, वैसे ही इसको लिखना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2. राइट इन द लॉन्ग फॉर्म. राइट 1 के प्लेस पर 9. व्हाट इज द नंबर?
109. Next, 136. 136. Again exponent form. Hundreds में तीन नंबर होते हैं. Ones, tens, hundred. 100. Tens पे 30. Ones पर 6. Number name. 100. नंबर टेन आपके आएगा 1 से लेके 200 तक, किसी की भी स्पेलिंग आ सकती है. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ 1 से लेकर 200 तक. ठीक है, 200 से ज्यादा नहीं आएगा. नाउ लास्ट 163. आपको ये ध्यान रखना है हंड्रेड्स में तीन नंबर होते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स. 163. इस तरह से आपके 200 तक नंबर ने 200 तक काउंट की. नाउ क्वेश्चन 3. कैरी ऑन द पैटर्न. कैरी ऑन द पैटर्न, जो पैटर्न आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर में दिख रहा है वही पैटर्न आगे वाले नंबर में भी लिखना है. जैसे आपको दे रखा है 163 165 167. आपको नेक्स्ट कितने नंबर और लिखने हैं? 7 नंबर और लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. जो पैटर्न करा और फिर तो क्यों लिखा आपने? क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा ही था. यहाँ पे भी इन्होंने एक ही नंबर स्किप किया था, इसलिए हमने भी एक ही नंबर स्किप कर दिया. और काउंटिंग कैसे करेंगे आप देखो, 100 तो है ही सब में. 63 65 67 69 71 73 75 77 79. फिर 80 छोड़ा, 80 एक एक नंबर स्किप किया और हमने इसको एक एग्जांपल को बताते हैं. जैसे मैंने कहा 144 146 148. इसमें भी आपको क्या लग रहा है? एक एक नंबर मिसिंग लग रहा है. 44 के बाद 45 मिस हो गया, 46 के बाद 47 मिसिंग, और 48 के बाद 49 मिसिंग. हम क्या लिखेंगे? 150. अब आपको 100 तो है ही है, आपको 44 की काउंटिंग है. 44 46 48 50 52. एक नंबर बीच का मिसिंग. 54 अगेन मिसिंग. 56 58 60 62, है ना? वन वन नंबर मिसिंग. 4 के बाद 5 आया, 6 के बाद 7 आया, 8 के बाद 9 आया, 10 के बाद 11 आया, अब 2 के बाद 3 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, फिर 0 के बाद 1.
तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है कि क्या पैटर्न आगे वाले नंबर्स में दिया हुआ है वही पैटर्न हमें आगे भी फॉलो करना है। हो सकता है वन नंबर मिसिंग हो सकता है एक भी नंबर मिसिंग नहीं हो, कंटिन्यू काउंटिंग हो सकता है टू नंबर्स मिसिंग हो, टू फोर सिक्स एट, हो सकता है थ्री नंबर्स मिसिंग हो, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज हम तीन ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन वन टू एंड थ्री। इन तीनों क्वेश्चंस को आप कॉपी में करिए और बुक में भी करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज राइट 151 to 160, ये एक एग्जाम्पल है काउंटिंग, वन से लेके 200 तक कोई सी भी लाइन आ सकती है। राइट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑल्सो राइट इन लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, आपको लिखना है और नंबर नेम लिखना है। फिर क्या रहेगा पैटर्न, पैटर्न में वन नंबर मिसिंग हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो आपको फर्स्ट नंबर्स में जितने नंबर मिसिंग मिलेंगे आगे भी हम उसी पैटर्न को कैरी करेंगे। तो ये अपनी कॉपी और बुक में आप अच्छे से कर लीजिए और समझ लीजिए। हम कल आगे के थ्री क्वेश्चन और बच गए हैं वो हम कल, ठीक है। उसके बाद हमारा रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी रिविजन ही है पर ये एक चैप्टर का है, फिर हम पूरे कोर्स का करेंगे। अभी आप उनको अपनी कॉपी और बुक में लिख लीजिए।